इतना पढ़ लूँ मैं, अब और मुझसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होनी है। मैं अब इस चीज से डर करती हूँ, मैं अब नहीं पढ़ सकती। माइंड बहुत एग्जॉस्ट हो गया है। What happened, Priyanka? What happened? मैं क्या बताऊँ क्या हो गया है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कल मेरा एग्जाम है। मैंने मम्मी पापा को प्रॉमिस करा है कि मैं फुल मार्क्स लाऊंगी, लेकिन मैं वो प्रॉमिस अब फुलफिल नहीं कर सकती हूँ। Why? क्योंकि मैं नहीं पढ़ाई कर पा रही, मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, मुझे और नहीं पढ़ाई करनी है। ध्यान करो जरा, क्या किया मम्मा पापा से? प्रॉमिस, और जब प्रॉमिस करते हैं तो क्या करना है? प्रॉमिस निभाना है, कंप्लीट करना है। और अगर नहीं किया तो हम फॉल्स हो जाएगी, मीन्स मना आपके हो मम्मी पापा जाएगी। आप पे कभी बिलीव नहीं करेंगे, है यस, ना? तो कभी ये नहीं। सोचेंगे, ये नहीं सोचना है कि मार्क्स कितने आएंगे, हमें 80 70 क्या चाहिए। नो, हमें हमारा बेस्ट देना है, हमें कोशिश करना है। बिल्कुल, सुनी है ना वो पोयम, कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं नहीं होती। होती। यस, तो इट्स ओके, ओके, जितना होगा इतना है, इतने में से हाफ तो याद होगा ना, बिल्कुल, कोई बात नहीं, बट करना है, अपना बिल्कुल, बेस्ट देना है। ओके, तो यस, प्रॉमिस किया है से निभाना है। यस, ओके, ओके, थैंक यू। चलिए, बाय। जो सीखते हैं वो अपने घर से सीखते हैं, फिर हम कहाँ करेंगे? हमारी कॉलोनी में। कॉलोनी में करने के बाद हम कहाँ करेंगे? हम जहाँ भी जा रहे हैं, लाइक आप पार्क जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बस में है, ट्रेन में, आप वहाँ भी करेंगे। मीन्स आप क्या कर रहे हैं? अपनी कंट्री को गंदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आज ऐसा हो रहा है, ठीक है, आपने मेरी बात सुनी। अगर कोई और होता तो हो सकता था मुझसे फाइट करने लगता, तो वो भी रॉन्ग है कि छोटी सी बात के लिए जहाँ हमारी गलती है हम ना एक्सेप्ट करते हुए फाइट कर रहे हैं, ये भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम सॉरी। इसके बाद आप इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए अननोन पर्सन है बट फिर भी रिस्पेक्टफुली, तो ये भी एक अच्छी बात है। क्योंकि बिल्कुल कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे आपने सॉरी बोला, वेरी गुड, आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन कुछ होते हैं कि क्यों एक्सेप्ट करें, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये बात बहुत अच्छी, मीन्स हम इंडियंस हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है। हम बॉर्डर पे तो नहीं जा सकते हैं ना, ठीक है, इट्स ओके, बट
हम अपनी कंट्री को क्लीन रख सकते हैं, बिना फाइट के रह सकते हैं, आपस में प्यार से रह सकते हैं, रिस्पेक्टफुली बात कर सकते हैं एक दूसरे बिल्कुल, से। बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं और मेरी गलती थी जो मैंने करा, लेकिन अब मैं मेरी इंडिया को थैंक यू नीट एंड क्लीन रखूंगी। वेरी गुड। और एक एक ड्यूटी है ये हमारी yes. हमारी कंट्री के लिए, हम जितना अपने घर से रह के कर सकते हैं, और मैं बेस्ट इंडियन बन के दिखाऊंगी yes. और वेरी गुड। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग बेस्ट इंडियन बन के रहें। और जैसे अभी बॉल पे कुछ कुछ लिख रहे थे, ये सारी चीजें भी नहीं करनी है हमें ओके, क्योंकि ये भी सब क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, किसी दूसरे की नहीं है। जैसे हमारा घर हमारे लिए होता है, वैसे ही ये सारी चीजें भी हमारी हैं। ओके तो ड्यूटी टू कंट्री। ओके यस। Promise. I promise to do my best, to do my duty to God and my country, to keep the Bulbul law and to do a good turn every day. Order. Pratigya. मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगी, बुलबुल नियम को मानूंगी और प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करूँगी। Order. प्रतिज्ञा शुरू कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगा, कर्म नियम को मानूंगा और प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करूँगा। ऑर्डर। प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू डू माई बेस्ट, टू डू माई ड्यूटी टू गॉड एंड माई कंट्री, टू कीप द कब लॉ एंड टू डू अ गुड थिंग एवरी डे। ऑर्डर।